अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारे बीच है इन 5 सालों में रघुवर दास जी की सरकार ने कई सपने आपको 5 साल पहले दिखाए थे, वो तो घमंड में चूर रहे और आपके सपनों को चकनाचूर करने का काम उन्होंने किया। 5 सालों में झारखंड के वासी क्या पाए? भूख से मौतें, किसान आत्महत्या करते हुए, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ी जो समस्या झारखंड की रही है वो है बेरोजगारी। मां बाप अपना पेट काटकर बच्चों को शिक्षित करते हैं कि उनकी नौकरी लग जाएगी, परंतु झारखंड में जैसे हमारे पत्रकार बंधु यहां बैठे हैं, हजारों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई। साफ तौर पे हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, वो मैनिफेस्टो हमारा नहीं है, वो हमारा शपथ पत्र है। हमारी सरकार बनेगी तो हर घर में एक नौकरी देने का वादा हमने किया है कि झारखंड में हर घर में एक नौकरी देंगे और जिस घर में नौकरी नहीं देंगे भत्ता देने का काम हम करेंगे। किसानों के लिए हमने वादे किए हैं, 2 लाख तक जिन्होंने लोन लिया है उन लोन को माफ करने का काम हमारी सरकार करेगी। पूरे झारखंड में आज एक हवा बन चुकी है कि गठबंधन की सरकार बनेगी, जैसे महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनी है, जैसे भाजपा थोड़ा सा हम रह गए लेकिन हरियाणा में सरकार बनाते, लेकिन झारखंड में जो मेहनत राजबीर सिंह जी ने करी है, मैंने बहुत प्रभारी देखे हैं, लेकिन पिछले 1.5 महीने से जो यहाँ पे रहकर यहाँ के कार्यकर्ताओं की आवाज बनकर सबको संगठित किया, आप सबके बीच में यहाँ एक ऐसा आदर्श पैदा किया है और टिकट भी ऐसे लोगों को दिया जो जनता से जुड़े हुए लोग हैं। आज उन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं साथियों, धनबाद को देश और दुनिया जानता है, लेकिन क्या कारण है यहां पर खाने बंद पड़ी है? क्या कारण है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, कारखानों पे ताले लगे हैं, इतने नौजवान यहां बैठे हैं, सबके मुंह लटके पड़े हैं, रोजगार मिल नहीं रहा? क्या जवाब है मुख्यमंत्री के पास कि 5 साल आपने शासन किया, जनता ने आपको मौका दिया था, लेकिन 5 साल तक आपने गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आम जन को आपने देखा नहीं और सिर्फ कुर्सी पे चिपक कर बैठे रहे? लेकिन समय के साथ साथ बदलाव होता है। आज हमें देखना पड़ेगा साथियों, झारखंड की ये धरती, धरती के नीचे जो है पूरे हिंदुस्तान में झारखंड को लोग जानते हैं कि यहां खनन कर हिंदुस्तान और दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ झारखंड प्रदेश बन सकता है, लेकिन लोगों की साजगांठ से क्या कारण है कि 5 साल में दोनों सरकारें भाजपा होने के बाद भी यहां विकास हो नहीं पाया? अब भाजपा के नेताओं से सवाल पूछो तो बहुत लंबी लंबी बात करते हैं, धर्म की, जाति की, बिरादरी की, हिंदू की, मुसलमान की, लेकिन यह कोई नहीं बताता कि प्याज 125 रुपए किलो क्यों बिक रहा है। ये कोई नहीं बताता कि बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जो पिछले 50, 60, 70 साल से धनबाद, झारखंड, राजस्थान, हिंदुस्तान में बनी थी, उन बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को क्यों आप बेच रहे हो? चंद उद्योगपतियों को फायदा करने के लिए बड़े बड़े कारखानों पर ताला लगा दिया।